आगे बढ़ेंगे, अब हम प्लैनेट्स करेंगे। प्लैनेट्स यानी हिंदी में ग्रह, ग्रह मतलब, ग्रह मतलब हाउसेस भी होता है और ग्रह मतलब प्लैनेट्स भी होता है। सो दिस फॉर हाउस, हाउस यानी जहाँ आप रहते हैं वो आपका घर, घर को भी ग्रह बोलते हैं और प्लैनेट्स को भी ग्रह बोलते हैं। तो इसके बाद सूर्य, सूर्य यानी सन, ये हमारा सोलर सिस्टम है। तो सन, बुध यानी बुध, मर्क्यूरी, शुक्र, शुक्र ये शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल, मंगल यानी मास, गुरु, बृहस्पति यानी के जुपिटर, जब भी आप हॉरोस्कोप में देखते हैं तो इसको गुरु बोलते हैं और जब प्लैनेट्स की बात करेंगे तो बृहस्पति बोलते हैं। शनि, शनि यानी सैटर्न, वरुण यानी यूरेनस, अरुण यानी नेपट्यून। तो प्लैनेट्स एक बार फिर करते हैं, ग्रह, ग्रह यानी के प्लैनेट्स एंड ग्रह यानी के हाउस। तो सूर्य, सूर्य सन, ये हमारे सोलर सिस्टम में है। सन इज नॉट अ प्लैनेट, सन इज अ बॉल ऑफ फायर और गैस। ओके, बुध, बुध यानी मर्क्यूरी, शुक्र, शुक्र यानी वीनस, पृथ्वी, पृथ्वी यानी कि अर्थ, मंगल, मंगल यानी कि मास, गुरु, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि, शनि यानी सैटर्न, वरुण, वरुण यानी यूरेनस, अरुण, अरुण यानी नेपट्यून। तो ये जो प्लैनेट्स है ये आपके आपके हॉरोस्कोप्स में भी ऐसे ही आते हैं। तो इसके खाली सिर्फ नाम अलग होते हैं, बट दीज आर द प्लैनेट्स दैट कम इन योर हॉरोस्कोप्स। ओके, நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல கிரகங்களை பத்தி பார்க்கலாம். பிளானட்ஸ், கிரக, கிரகங்கள், சூரிய, சன், சூரியன், புத், மெர்க்குரி, புதன், சுக்ர, வீனஸ், சுக்ரன், வெள்ளி, பிருத்வி, எர்த், பூமி, மங்கள், மார்ஸ், செவ்வாய், குரு, பிரகஸ்பதி, ஜூபிட்டர், குரு அதாவது வியாழன். சனி, சாட்டர்ன், சனி, வருண், யுரேனஸ், ராகு, அருண், நெப்டியூன், கேது, சு,
இப்போ நம்ம திருப்பியும் ரிவைஸ் பண்ணலாம். கிரகங்களை சூரிய சூரியன், புத் புதன், சுக்கிர சுக்கிரன், பிருத்வி பூமி, மங்கள் செவ்வாய், குரு பிரகஸ்பதி குரு, சனி சனி, வருண் ராகு, அருண் கேது.